शेयर बाजारों की बिकवाली और गिरावट ने ट्रेडर्स और निवेशक का मूड खराब करके रखा हुआ है। अकेले बीते हफ्ते शेयर बाजार करीब 2% गिरे। तो बीते हफ्ते क्या कुछ हुआ और अगले हफ्ते का आउटलुक क्या है, आइए जानते हैं मार्केट रैप में। एक तरफ FIIs की बिकवाली बाजार के लिए बड़ा ट्रिगर है ही, दूसरी तरफ सितंबर तिमाही के जो नतीजे रहे वो बाजार को बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं दे पाए। आधा नवंबर गुजरा है अभी, लेकिन सेंसेक्स निफ्टी इस महीने अभी तक करीब 3% गिर चुके हैं। इतना ही नहीं, दोनों इंडेक्स अपने रिकॉर्ड हाई से 9 से 10% का गोता लगा चुके हैं। इस हफ्ते तो निफ्टी ने टेक्निकल चार्ट पर अपने 200 डेमा का सपोर्ट लेवल भी तोड़ दिया और 23,500 के नीचे आ गया। FIIs ने इस महीने अभी कैश और FNO मार्केट में मिलाकर 30,000 करोड़ से ऊपर की बिकवाली की है। इसके अलावा रिटेल महंगाई RBI के टॉलरेंस लिमिट 4% से कहीं ऊपर आई है। अनुमान जहां 5.8% का था, वो फूड इन्फ्लेशन की वजह से 6.2% पर आया है। US में भी इस हफ्ते रिटेल महंगाई का आंकड़ा अहम रहा। अनुमान के मुताबिक आंकड़े आए हैं जिस पर बाजार का मिला जुला रिएक्शन देखने को मिला। US में अक्टूबर के लिए रिटेल महंगाई 2.6% के आसपास रही। यहाँ पर रैली में थोड़ा सा ब्रेक लगता दिखाई दिया, ऑल्दो डॉलर इंडेक्स और US के 10 सालों की बॉन्ड यील्ड जरूर फोकस में बने रहे। डॉलर इंडेक्स में तूफानी तेजी दिख रही है, ये 106 के पार निकलकर एक साल की ऊंचाई पर है। वही 10 साल की बॉन्ड यील्ड 4.4% के पार 4.5 महीने की ऊंचाई पर है। महंगाई के न बढ़ने से US फेड की ओर से रेट कट के लिए पॉजिटिव आउटलुक मिलेगा। मजबूत डॉलर से सोने में भी गिरावट आई है। सोना फिलहाल $2,560 के आसपास 2 महीनों के निचले स्तर पर आ गया है। चांदी 5 हफ्ते के निचले स्तर पर है और कच्चा तेल भी $72 के नीचे 2 हफ्तों के लो पर चल रहा है। रुपए ने भी गिरावट के रिकॉर्ड बनाए हैं और $84.40 के नीचे गया है। और ऑफ कोर्स बाजार की नजरें रही Q2 रिजल्ट्स पर। कुछ कंपनीज ने अच्छे नतीजे दिए तो कहीं अधिकतर रिजल्ट्स मिक्स्ड या वीक रहे। आयशर मोटर्स, वोडाफोन आइडिया, अपोलो टायर्स, नेल्को, गार्डन रीच, कल्याण ज्वेलर्स, सोला विन्यास जैसी कंपनीज ने नतीजे जारी किए हैं। इसके साथ ही रिजल्ट सीजन ऑलमोस्ट ओवर है। इस हफ्ते बाजार में बस 4 दिनों की ट्रेडिंग हुई। अगले हफ्ते भी 4 दिन की ही ट्रेडिंग होगी, क्योंकि 20 नवंबर बुधवार को महाराष्ट्र में असेंबली इलेक्शन वोटिंग के चलते बाजार बंद रहेंगे। अगले हफ्ते के आउटलुक की बात करें तो FIIs, DIIs के मूव पर नजर रहेगी, क्योंकि यहां से निफ्टी सेंसेक्स में और ज्यादा गिरावट आती है या बाजार थोड़ा संभलेंगे, ये इंपॉर्टेंट ट्रिगर रहेगा। साथ ही डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड में तेजी के चलते सारे बाजार ही रैटल्ड हैं, तो यहां से आगे के लिए क्या आउटलुक बनता है वो भी देखेंगे। ये थी इस हफ्ते की रिपोर्ट। बाकी खबरों के लिए देखते रहें ZEE Business।